बदलते भारत की शान। हेलो दीप भैया, हाँ मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ राज, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? किस बारे में? कृषि के विषय में थोड़ा बातचीत करना था। हाँ ठीक, हाँ रखता हूँ। हम लोगों को राज ने यहाँ क्यों बुलाया है, इसके बारे में राज जी हमें विस्तार से बताएं। बताओ। हाँ, बात यह है कि कल हमारे यहाँ पे जल सिंचन का उद्घाटन होने जा रहा है और इसीलिए दियो सर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम सभी को उस मीटिंग पर जरूर उपस्थित होना पड़ेगा। ऑफिस का आदमी जैसा चाहे वैसे उन लोगों को हम सहायता करेंगे, इसमें हम लोगों का कोई शिकायत नहीं है। हाँ हाँ, जैसे भी हो हम लोगों का काम अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ दीप भैया। कहो राज। कल मीटिंग में आने के लिए महेश भैया को भी बोल देना। ठीक है, मैं भैया को बोल दूंगा। लेकिन राज, तुमसे एक जरूरी बात कहना है। हाँ बोलिए तो। देखो, तुम तो जानते ही हो हम लोग का खेत का जमीन बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भैंस का ही पालन करूं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों के जितना भी जमीन है उस पर खेती का काम शुरू कर दीजिए और 10-15 भैंस का पालन शुरू कर दीजिए। देखिए, आजकल दूध का जरूरत भी दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ जल्दी से काम शुरू कर दीजिए। फिलहाल इस विषय के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। अरे दीप भैया। अरे रेनु, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। कॉलेज से आ रही हो? हाँ, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं कृषि विभाग के ऑफिस से आ रहा हूँ। हमारे घर आए हुए आपको बहुत दिन हो गए, आते नहीं आजकल। आना तो चाहता हूँ लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है। हाँ भैया से पता चला, आप भी बहुत बिजी हो गए हो आजकल। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारा देर भी हो रहा होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। जी हाँ, राज मेरा ही लड़का है। अच्छा, राज आपका लड़का है? अरे जनाब, आप तो एक नसीब वाले बाप हैं जो राज जैसा एक लड़का आपके घर जन्म लिया है। यूं समझिए भगवान आपको एक रत्न वरदान दिया है। वो तो आप लोगों की आशीर्वाद है, आप उन लोगों को सही दिशा निर्देश दे ताकि वो जीवन में कामयाब हो सके। वो जरूर कामयाब होगा, वह गुणी ज्ञानी लड़का है, वह हम लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल गया है। राज हमेशा आप लोगों के बारे में बताते रहते हैं, आप लोग उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। यकीन कीजिए आपका लड़का भी बहुत अच्छा है, किसके साथ किस तरह की व्यवहार करना है उसे भली भांति मालूम है, बड़ों को सम्मान करना जानता है। वो एक अच्छा छात्र था, वो पढ़कर नौकरी करने के बजाय कृषि क्षेत्र में मनोनिवेश कर देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं ताकि वो देश को एक मुकाम तक पहुंचा सके। देखिए, राज ने जो फैसला लिया है उसे आप गलत ना समझें, उसकी बातों में मायने हैं, युक्ति है। जी हाँ, उसके युक्ति के सामने मुझे झुकना पड़ा और उसके भावना के अनुसार काम करने के लिए इजाजत दिया। जो भी हो, आप एक सफल और भगवान पिता है। वो तो ईश्वर का वरदान है। और एक बात है जो आपको जानकर खुशी होगी, कुछ दिन बाद राज को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा। ऐसा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? मैं भी वही सोच रहा था, भैंस को पालना कैसा होगा? भैंस को पालना दो नकड़ी के बराबर है। हाँ,
आप जल्दी से शुरू कर दीजिए। भैया ने भी इस बात पर गौर किया है, जमीन भी जल्दी निकलना होगा, पर पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप पहले काम के बारे में सोचिए। मैं दियो सर से बात करके बैंक से लोन की व्यवस्था कर दूंगा। भैया को तुम्हारे बातें सुनकर बहुत खुशी होगी। देखिए, बैंक के नीति नियम से भी अच्छी तरह से पेश आना बहुत जरूरी है, और बैंक वाले यही चाहते हैं। भैया को तुम्हारी बातें बताऊंगा। हाँ, पर लोन तो लेना ही पड़ेगा। मैं भी दियो सर से जल्दी बात करूंगा। बढ़िया। भैया। अरे रेनू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हो? वो मैं सहेली के घर गई थी, वहाँ से ही आ रही हूँ। ठीक है, अभी हमारा घर होके जाना। अभी नहीं भैया, बाद में आऊंगी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या बताऊं, ये राज और दीप दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कस दिया है। मतलब? मतलब और क्या, खेत में तो काम कर ही रहा हूँ। अब दीप ने बोला कि वो भैंस पालन का काम शुरू करेगा। ये सब काम में बहुत कष्ट है। थोड़ा तो कष्ट होगा ही, भैया ने तो आजकल पिताजी को पूरे खेत में व्यस्त कर दिया है। पहले तो पिताजी को भी खेत में काम करने को पसंद नहीं था, लेकिन आजकल तो वो भी व्यस्त रहते हैं खेत में और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए। सच में राज ने बहुत अच्छा काम किया, उसके कारण ही हमारे इस इलाके के कई युवकों ने खेत का काम शुरू कर दिया है। राज के जैसे शिक्षित युवक के कारण ही हमारे देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आजकल तो भैया के बारे में सभी लोग आपकी तरह ही बोलते हैं। बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, अच्छे को तो अच्छे ही कहेंगे ना। ठीक है भैया, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। सुनिए जी, कहिए। सासा जी ने मुझे बुलाया था। ठीक है, आप जरा बैठिए, पिताजी अभी आते होंगे। वो घर में नहीं है क्या? पिताजी बाहर गए हैं, वैसे आने का समय हो गया है। ठीक है, पिताजी आने से कह दीजिएगा, दीप नाम का एक लड़का आया था उनसे मिलने के लिए। आप बैठिए, कम से कम एक कप चाय पी लीजिए, नहीं तो पिताजी मुझे ही डांटेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा तो पी लूंगा जरूर। हमारे घर आए हुए आपको बहुत दिन हो गए, आते नहीं आजकल। आना तो चाहता हूँ, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है। हाँ, भैया से पता चला आप भी बहुत बिजी हो गए हो आजकल। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारा देर भी हो रहा होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भैया थोड़ा सा आराम कर लो ना। आराम बाद में करेंगे, थोड़ा सा ही तो काम बाकी है, कर लूं। भैया थोड़ा सा बांस का भी जरूरत है। बांस? हाँ। अरे बांस के लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने रतन के पिता को बोल दिया है, जितना चाहिए उन्हीं से हम ले सकते हैं। ठीक है भैया। लेकिन जलसिंचन का बात का क्या हुआ? कुछ दिन के बाद ऑफिस के आदमी आएंगे बुलाए। ठीक है,
ऐसा होने से हमारे जैसे आदमी का थोड़ा सा पैसा बचेगा और खेत में भी सुविधा होगा। ठीक है भैया, आप जितना हो सके खेत में ध्यान दो, मैं भैंस पे ध्यान दूंगा, ऐसा राज ने कहा है। क्या कहा राज ने? भैंसों को पालने में बहुत फायदा है। हाँ, लेकिन थोड़ा तो कष्ट होगा, पर इतना कष्ट तू कर सकेगा? हाँ, क्यों नहीं, बाहर कंपनी में जाके काम करने से तो थोड़ा कष्ट कम होगा। ये बात भी ठीक है, ठीक बोला है राज ने। भैया, राज ने कहा है ऑफिस के आदमी आने से वहाँ पे आपको भी रहने के लिए बोला है। ठीक है, मैं रहूंगा, क्यों नहीं रहूंगा, इतना बड़ा काम आरम्भ होने वाला है, मैं जरूर रहूंगा। भैया, हाँ? मुझे एक बात सोच कर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात? पिछले साल के बदले इस साल जो खेत जो है ना, बहुत अच्छा हुआ है। होगा, क्यों नहीं होगा, इस बार तो हम लोगों ने राज के बताया हुआ तरीके से खेत किया है। कैसे हाल लगाना है, कौन सी समय कैसा खाद डालना है, सब कुछ तो राज ने ही बताया था। भैया, आपने तो सही कहा है, लेकिन मैं और एक बात सोच रहा हूँ। हम लोगों ने तो भैंस पालने का काम शुरू कर दिया है, अगर राज हमें लोन नहीं दे पाया तो? राज के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, वो जैसे भी हो हमको लोन जरूर दिलाएगा। विश्वास तो है उन पर, फिर भी। देखो, चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम लोग काम पे लग जाओ और मैं थोड़ा घर होके आता हूँ। देखो, मैंने जैसे बताया वैसे ही करना, कोई उल्टा सीधा काम मत करना। हाँ, ठीक है भैया, जाओ लग जाओ। हाँ, एक बात बोलू, दीप भैया लेकिन बहुत हैंडसम है। मेरा भैया भी कम हैंडसम है। फिर भी हैंडसम लड़का को खेत में काम करने से अच्छा नहीं लगता। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा लगेगा, राज भैया से तो बड़ा नौकरी भी कर सकता है। अगर नौकरी नहीं करता तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब? होगा, इधर उधर का बात मत कर। मैडम, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे भैया के लिए प्यार कहाँ से आया है इतना? अच्छा लड़का को तो सब लोग प्यार ही करता है, इतना प्यार कहाँ से आता है? चल, तेरे साथ बात करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, मुझसे बात मत करो, लेकिन मैं भैया को बोलकर रहूँगी कि तुम्हारे दर्द ना सहने वाली एक लड़की है जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। रेनो, तुझे मैं हाथ जोड़ती हूँ, राज भैया को ये सब मत बता। अच्छा ठीक है, अभी चल, हमें देर हो रही है। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित दियो सर और सम्मानित व्यक्तिगण, बात यह है कि सर से बात करते हुए, हमारे परेशानियों के बारे में बताते हुए, आज हम एक अच्छे दिन में आ पहुँचे। हमारे इसी गांव में जलसिंचन का व्यवस्था होने जा रहे हैं और इसी कारण आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और इसके बारे में सर दो शब्द कहेंगे। उपस्थित मुखियाल समाज और मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गों, हम सब राज को जानते हैं। राज एक ज्ञानी और समझदार लड़का है और मैं तो सोचूं राज आप लोगों के गांव के लिए एक रत्न है। मुझे विश्वास है राज को आगे बढ़ने में आप लोग सहायता करेंगे और आज आपके बीच हम एक ऐसी बड़ी योजना लेके आए हैं सरकार की तरफ से, जो कि सिर्फ राज के लिए संभव हुआ है। और राज शुरू से ही इस प्रकल्प के साथ जुड़ा है, उसी की यह व्यवहार है जिसके कारण हम यहाँ आने में मजबूर हुए हैं। और इस प्रकल्प को शुरू करने में हमें काफी चीजें सोचनी होगी। सच मानिए तो आपके इस इलाके में इस योजना को शुरू करना थोड़ा मुश्किल तो था ही, लेकिन मैंने करने के लिए सोच लिया और आशा करते हैं आप लोग भी हमें इस काम में मदद करें।
और इसके साथ आप लोगों के पास मेरी एक विनती है। आप लोग ये तय कर लें कि आप सभी राज जैसे एक आदर्शवान किसान बनेंगे। आप लोग उत्पादन मुखी बने। आप लोग हमें जितना दौड़ाएंगे हम उतना दौड़ेंगे। सरकार के पास आपके लिए कई योजनाएं हैं। केवल आप लोग सच्चे मन से आगे बढ़ते रहिए। आज राज अपने सत्यवादिता और एकाग्रता के कारण राष्ट्रीय पर्याय पर स्थान प्राप्त कर लिया है और मुझे विश्वास है बहुत ही जल्द एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। इससे सिर्फ माता पिता ही गर्व नहीं करेंगे, सारे गांव गर्वित होंगे और इसके साथ जुड़े होने के कारण हम भी गर्व महसूस करेंगे। जो भी हो, जिस प्रकल्प को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच आया था उस योजना की आज शुभारंभ होगी और मैं ये घोषित करता हूं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दीप भैया कैसे हो? रेनू आगे, मैं ठीक हूँ, तुम बोलो तुम कैसे हो? ठीक ही हूँ। बोलो रेनू क्या बात है? बात मतलब मेरी और आपके बीच के बारे में, आपने कुछ सोचा है क्या? रेनू तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है लेकिन मैं सिर्फ आप ही से शादी करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लेकिन ये बात मैं सासा जी और राज को कैसे बताऊँ? जैसे भी हो उन्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो पिताजी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो रेनू, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा स्वार्थ के लिए इतने बड़े संपर्क को कैसे खत्म कर दूं रेनू? आपने मेरे प्यार को इतनी छोटी नजर से देखा? हाँ रेनू तुम समझने की कोशिश करो, ये समाज और हम दोनों के घर के आदमी के आगे ये प्यार जो है ना बहुत छोटा है। आप प्लीज इस तरह से मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी बुराई क्यों सोचूंगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिले और जिसके साथ तुम शादी करके खुश रह सको। दीप भैया मेरे जैसा एक मामूली किसान। देखिए अभी मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, आप अभी घर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अगर संभव हो तो मैं भैया को आप लोग के घर लेके आऊंगी, अभी चलती हूँ। रेनू 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 सुनो तो। मुझे गलत ना समझना रेनू, मैं इतना बड़ा विश्वासघात भी नहीं कर सकता, शायद हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना रेनू। मैं तुम्हारे पिताजी को भगवान सम्मान करता हूँ और तुम्हारे भैया को राज को तो मैं छोटे भाई के जैसा प्यार करता हूँ और तुम्हें भी। तुम्हारे घर और हमारे घर के बीच जो संपर्क है इस संपर्क को मैं तोड़ना नहीं चाहता। अगर उन लोगों को पता चलेगा हम दोनों के बीच में कुछ है तो ये मधुर संपर्क झट से टूट जाएगा और जो मैं होने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रेनू, शायद मैं ये तुम्हें कभी बोल नहीं पाऊंगा। दीप दीप ओ भैया क्या सोच रहे हो? नहीं 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 कुछ नहीं भैया, झूठ मत बोलो, तुम्हारा मन में कुछ है साफ साफ बता दो। नहीं भैया कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हारा भाभी ने कुछ बोला है? नहीं नहीं भाभी ने कुछ नहीं कहा है। तुम्हें जो भी बोलो मुझे झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम्हारा कुछ हुआ है मुझे साफ साफ बताओ। ओ भैया आप समझते क्यों नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो दीप, तुम जब 6 साल के थे तब माँ पिताजी दोनों गुजर गए, अब तुम 30 साल के हो गए हो और इस 24 साल मैंने तुम्हें बहुत प्यार से बड़ा किया है।
इसलिए तुम्हें कुछ होने से मुझे पता चल जाता है। तुम छुपाने को जितना भी कोशिशें ना करो, मुझे पता चल ही जाता है। बात तो कुछ है भैया, पर मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारा जब मन कहे तब बताना। अब तुम बैठो, मैं थोड़ा खेत से आता हूं। दीप भैया। अरे पूजा, कैसे आना हुआ? चलो आओ। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने क्या किया? तुमने रेनू को क्यों अवॉइड किया? देखो पूजा, रेनू बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसे हमेशा बहन की नजर से देखा है। वो चाहे तो मुझसे अच्छे लड़के से शादी कर सकती है। सच्चा प्यार करने वाला कभी बिजनेस, नौकरी ये सब नहीं मानता है दीप भैया। मैं सब समझता हूँ पूजा, फिर भी रेनू से शादी करना संभव नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ दीप भैया, आप रेनू का दिल मत दुखाइए। ठीक है पूजा, पहले मुझे खेतों के काम में लगना है, बाद में ये सब सोचेंगे। अब आओ, चाय पी के जाना। भैया कैसे हैं आप? अरे तुम लोग? बस ठीक हूँ। रेनू क्या हुआ, तुमको बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया। ठीक हूँ भैया, परसों ही तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इसलिए बहुत दिन से घर से निकली नहीं थी। आज भैया ने बोला थोड़ा घूम के आता हूँ, इसलिए आते आते आप लोग का घर ही पहुँच गए। बहुत अच्छा किया, कभी कभार आया करो। लेकिन देखो आज तुम लोग आए, तुम लोगों का भाभी घर पर नहीं है। भाभी घर पे नहीं है, किधर गई? मायके चली गई। ओह कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो, दीप तो घर में ही है। हाँ ठीक है, चलो आओ आओ आओ। दीप, ए दीप, देखो तो कौन आया है। कौन आया है भैया? अरे राज, रेनू, दोनों एक साथ अचानक? हाँ, इसके एग्जाम चल रहे थे, अब खत्म हो गया तब सोचा कि थोड़ा घुमा कर लाऊं। अब जो आएंगे तो सोचा आप लोग के घर भी होके आए। बहुत अच्छा किया। भैया कल दियो सर की मीटिंग में कोई नहीं गया, आप भी नहीं गए और दीप भैया भी नहीं गए, क्या बात है? कल एक काम के लिए हम दोनों को टाउन में जाना पड़ा, आते आते देर हो गई। दियो सर ने क्या कहा? हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, हमारे इलाके का जो जलसिंचन का प्रोजेक्ट है वो कल दियो सर ने उद्घाटन कर दिया। रस, ये सारे काम तुम्हारे वजह से ही संभव हो पाया, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। राज, तूने जो आदर्श दिखाया इससे प्रेरित होकर मैं ही नहीं, हमारे गांव के काफी सारे लड़के और हमारे इलाके के बहुत सारे लड़के खेत में जुट गए हैं। अरे यहाँ खड़े होकर बातें करोगे या अंदर भी चलोगे? चलिए चलिए, अंदर चलो।